कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G ये जो शिपसेट है ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ताज़ा शिपसेट है। ये शिपसेट से हम काफ़ी उम्मीद हम रख सकते हैं क्योंकि ये 5G NN वेव और सब 6 के साथ ये शिपसेट आपको रिप्रेजेंटेटिव करेगा। सबसे ज़रूरी बात होता है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जितना भी सीरीज आता है हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक के काफ़ी हद तक बेहतर है। रीज़न नंबर वन होता है कि मीडियाटेक अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782 इससे मिलता जुलता जो शिपसेट होता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732 जिसे लेके क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 प्लस जिसे लेके उसका प्राइस सेगमेंट जो मार्केट में मोबाइल अवेलेबल होता है उसका प्राइस 25 से लेके 30,000 के बीच में हमको आसानी से देखने को मिलता है। लेकिन मीडियाटेक डेमिसिटी क्या होता है कि वो शिपसेट बेहतर है लेकिन क्या होता है कि पब्लिक के लिए थोड़ा ओवर प्राइस बन जाता है। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मीडियाटेक डेमिसिटी 8000 प्लस जो है 1+10R दोनों जाहिर सी बात है डिमेंसिटी ये शिपसेट बढ़िया है लेकिन 45,000 मतलब थोड़ा ओवर प्राइस मेरे हिसाब से लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे भी और हमसे भी ये चाहता हूँ कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक इसलिए होना चाहिए कि ये वीडियो का थीम बस इतना है कि ये शिपसेट हमारे मोबाइल के लिए हम ये आशा करता है कि इसका बजट 25,000 से नीचे आ जाए। जितना भी ये शिपसेट के साथ कॉलब होकर जो भी स्मार्टफोन इंडिया में हमको देखने को मिल रही है इसका प्राइस 25 से नीचे आ जाएगा ना तो ये शिपसेट तो बिल्कुल तहलका मचा सकता है क्योंकि यहाँ पे है 6nm फैब्रिकेशन के साथ फैब्रिकेशन स्कोर के साथ बनता है कि इसका 6nm है जो कि बैटरी एफिशिएंसी के लिए सही है। 6nm सही है, अगर 8nm 10nm हो जाए ना तो बैटरी यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ही यहाँ पे कम हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के कोर के ऊपर। कोर में यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1X Kryo 670 प्राइम A78 2.7 GHz में जो मतलब एक शिपसेट में हमको सही है ना आज के तारीख में 2022 से लेके जो आखिर में जो शिपसेट में हमको सही है एक मिड रेंज सुपर हीरो शिपसेट में एकदम सुपर इसमें है। क्योंकि दूसरा कोर यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3X Kryo 670 ये भी गोल्ड में बनता है और इसका एफिशिएंसी है 2.2 GHz। आखिर में यहाँ पे देख पा रहे हो 4X Kryo 670 सिल्वर A55 1.9 GHz और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात करो अब तो 2.7 GHz यहाँ पे बनता है। सबसे बेहतरीन हमको ये हमको देखने को मिलता है। मेमोरी टाइप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेमोरी टाइप है यहाँ पे LPDDR6 और यह मेमोरी क्लॉक बनता है 3020 और यहाँ पे मैक्सिमम रैम सपोर्ट की बात करो 16GB है और यहाँ पे जो है ग्राफिक्स की बात करो जो हम लोग पबजी वाले होते हैं फ्रॉटनाइट वाले होते हैं BGMI वाले जो भी है मतलब हैवी जो गेम हमको खेलने में पड़ता है वहाँ पे है ग्राफिक्स के लिए हम देख पा रहे हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो GPU है एड्रिनो 642L यहाँ पे GPU हमको देखने को मिलता है एकदम मतलब बेहतरीन एकदम दिल खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे बाकी में बात करो बाकी यहाँ पे सब कुछ है। डिस्प्ले की बात करो यहाँ पे डिस्प्ले सपोर्ट करेगा फुल HD प्लस तक यहाँ पे सपोर्ट करेगा जिसको रेजोल्यूशन है 2520x1080 और यहाँ पे कैमरा सपोर्ट की बात करूँ यहाँ पे देख पा रहे हो 200 MP ये सिंगल कैमरा सपोर्ट करेगा 32 MP यहाँ पे ड्यूल कैमरा सपोर्ट करेगा और 16 MP यहाँ पे ट्रिपल कैमरा स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G ये वाला चिपसेट है ना काफ़ी हद तक मुझे तो पसंद आया। अच्छा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो का ये इन्फॉर्मेशन सबसे जरूरी हो जाता है लेकिन कुछ मतलब आप मोबाइल जब आप मोबाइल आप खरीदते हो आपका बजट अगर 20,000 से लेके 25,000 के बीच में होता है ना तो आपके मोबाइल में बहुत कुछ ध्यान से देखना पड़ता है। उसमें आपको दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला कैटेगरी हो जाता है कि इसमें कैमरा सेंसर कौन सा है। कैमरा सेंसर यहाँ पे बात करता हूँ कि आपके मोबाइल में वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड है कि नहीं 4K यहाँ पे बनता है कि नहीं ये भी देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल में अगर साथ है गेमिंग के लिए यहाँ पे जो मोबाइल में जो चिपसेट रहेगा उसमें GPU जो मैक्सिमम कोर होता है ना कोर में यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी कितना तक पहुँचता है यहाँ पे 2.7 GHz ये पहुँचता है। अरे चिंता करने का कोई बात नहीं ये चिपसेट के साथ गेमिंग में भी आप सेटिस्फाई रहेंगे कैमरे में भी सेटिस्फाई रहेंगे ये भी भरोसा फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ। आशा करता हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम जय श्री राम।